दीपावली के पावन पर्व पर पटाखे फोड़ने की परंपरा सदियों पुरानी है। महानगर वासियों के लिए प्रशासन द्वारा पटाखों की खरीद के लिए विभिन्न स्थानों पर बड़े बड़े बाजार लगाए गए हैं। बुधवार को गोलघर स्थित टाउन हॉल मैदान में लगाए गए पटाखा बाजार में पटाखा खरीदने के लिए नागरिकों का हुजूम उमड़ पड़ा। नागरिकों ने जमकर पटाखों की खरीदारी की। इस दौरान स्थानीय प्रशासन और अग्निशमन विभाग मुस्तैद रहा। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पटाखा खरीद रहे नागरिकों ने कहा, ये वीडियो बना रहे क्या? एक और बड़ा वाला क्या क्या राहुल श्रीवास्तव। आज हम टाउन हॉल में आए हुए हैं पटाखे खरीदने के लिए और गवर्नमेंट की तरफ से इस पे रोक लगाया गया है 8 से 10 के बीच में, जो कि प्रदूषण को कम करने के लिए किया गया है। उसके तहत हम उसका सहयोग करेंगे और 8 से 10 के बीच में ही पटाखे जलाएंगे। विकास सोनकर। जी सर, समय सीमा के अंदर ही हम सारा काम करेंगे और काफ़ी उल्लास है क्योंकि एक टाइमिंग के बाद अच्छे से हम लोग जो है अपनी पारंपरिक चीज़ों को निभा पाएंगे। इस बार कुछ पटाखे कुछ नहीं है? नहीं सर, अभी तो फिलहाल नहीं है, अभी तो फिलहाल वैसे ही दिख रहा है सब कुछ, कुछ अच्छा नहीं है अभी। जैसे हर साल है वैसे इस साल भी है। शशांक सिंह। आज हम लोग आए हैं सर यहाँ पे, क्या कहते हैं, टाउन हॉल पे पटाखे खरीदने आए हैं सर। किस तरह से सर? वैसे जैसे नॉर्मल में आया, लेकिन इस बार महंगाई इतनी ज़्यादा है कि पटाखे आदमी ले नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई है जो है, आदमी गरीब आदमी भी ना ले पा रहा है, अमीर आदमी तो भाई अमीर है। इस बार कुछ पाबंदी भी लगाई गई है? हाँ, जो है 8 बजे से 10 बजे तक जो है पाबंदी तो है, 10 बजे तक बजाना है, 10 बजे के बाद आपको नहीं बजाना है। मेरा नाम है सुशील कुमार। दिल्ली आज आप पटाखा खरीद के ले जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। कैसे सेलिब्रेट करेंगे? सेलिब्रेट बच्चों के साथ मिठाइयाँ, घर को सजाया है, माता लक्ष्मी की पूजा होगी और पटाखों में कुछ बच्चों को छुटछुड़िया, क्योंकि प्रदूषण तो बढ़ रहा है लेकिन हम धीरे धीरे रिड्यूस करना है पटाखे को पूरी तरह से, इसलिए छुटछुड़िया चला के हम अपनी दिवाली कम्प्लीट करेंगे। महंगाई का क्या है? महंगाई तो अचानक में एक साल में एक्सट्रीम महंगाई बढ़ी है, पटाखों के भी दाम बढ़े हैं और मिट्टी की जो मूर्तियां हैं, गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियां, जो पिछले साल तक 100-150 में आसानी से मिल जाती थी, इस साल उनका एवरेज 300-400 रुपया में मिल रही है। वही हाल मिठाइयों का भी है और दूसरी चीज़ों का भी है।